पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और हर रोज वही एक शब्द कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है, दोहराता हुआ वहाँ से चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये बूढ़ा, मैं रोज इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं रोज क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है, मुझे तो उसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वो उस बूढ़े से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाई और शब्दों को बुदबुदाया, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ एक मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुझे दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि वह कौन था लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। ये शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आग में ना जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा करो और कभी भी अच्छा करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।